नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जिसे सीधा उल्टा बुनने आता है वो भी इसे आराम से बना सकता है। बनाने में आसान और बनने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे सीधे बना लें, और यहाँ आपको अगर फंदे बढ़ाने हो तो आप बढ़ा सकते हैं। पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारा बेस तैयार हो गया है। तो अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक बार हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदा सीधा, और दोनों के बीच में 2-2 फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ 3 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, और अब की बार 3 फंदा सीधा। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। हर 2 फंदा स्लिप करने के बीच में एक बार 3 फंदा रहेगा और एक बार 1 फंदा, फिर एक बार 3 फंदा, फिर एक बार 1 फंदा। सेकेंड रो और बैक साइड पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, और बुने हुए ये 3 फंदे इन्हें सीधा बना लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए सारे फंदे बुन लेंगे। और आखिरी फंदा उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा अपने हम प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे, जो हमारा मेन कलर है उसे 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। इस तरह 3 फंदा सीधा बुनते हुए और 1 फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये जो 3 फंदा बुना गया था उसका बीच वाला फंदा स्लिप करना है, और किनारे वाले दोनों फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, और लास्ट फंदा स्लिप करेंगे। पीछे से बुने हुए फंदे उल्टा बुन लिए जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे।
बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड दूसरे रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो, और फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदा सीधा, फिर एक फंदा, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। एक बार हम एक फंदा स्लिप कर सीधा बुन रहे हैं, फिर दो फंदा स्लिप करने के बाद फिर अगली बार तीन फंदा सीधा बुन रहा है, फिर दो फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा, फिर दो फंदा स्लिप किया, फिर तीन फंदा, यानी एक बार तीन फंदा बुन रहे हैं और एक बार एक फंदा बुन रहा है, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में दो फंदा सीधा। सिक्स्थ रो और बैक साइड पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए और बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा और लास्ट फंदा उल्टा बुनेंगे और बीच के सारे फंदे सीधा बुनेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड अब पहले रंग के ऊन से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन फंदा सीधा, फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे और तीन फंदा सीधा। इसी तरह तीन फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड से स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे। मेन कलर से पीछे से बुनते समय हम हमेशा उल्टा बुनेंगे और दूसरे रंग से बुनते समय हम पीछे से भी सीधा ही बुनेंगे। और अब दूसरे रंग के ऊन से एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। जहाँ पिछली बार हमने एक फंदा बनाया है वहाँ पे अब की हमें तीन फंदा बनाना है, और जहाँ पे तीन फंदा बनाया था वहाँ पे हमें एक फंदा बनाया है। तो यहाँ पे हमने पिछली बार में एक फंदा बनाया था, तो इस लाइन में हमें तीन फंदा बनाना है, एक दो तीन, फिर दो फंदा स्लिप करना है। यहाँ पे हमने देखिए तीन फंदा बनाया था, तो इस बार हमें एक फंदा बनाना है।
एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदा स्लिप करना है। यहाँ पे देखिए हमने एक फंदा सीधा बुना था, तो अब की हम यहाँ पे तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन, दो फंदा हमें स्लिप करना है। और यहाँ पे देखिए तीन फंदा हमने सीधा बुना था, तो अब की हम यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे और फिर एक फंदा सीधा। बैक साइड से बुने हुए फंदे, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुने हुए सभी फंदे सीधा बुनेंगे, पहला और आखिरी फंदे को छोड़ के, और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुने हुए सारे फंदे सीधा बुनेंगे। दूसरे रंग के ऊन से पीछे से हमें पहला और आखिरी फंदा छोड़ के सभी फंदा सीधा बुनना है, और पहले रंग के ऊन से हमें पीछे से उल्टा बुनना है। और फिर अपने प्राइमरी कलर से एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। जहां हमने तीन बुना था उसका भी हमें बीच वाला फंदा स्लिप करना है, और तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा। इस तरह तीन फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और बैक साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है। एक बार जहां हम तीन फंदे बना रहे हैं, अगली बार वहाँ पे एक फंदा बना रहे हैं, और जहाँ पे एक फंदा बनाया है वहाँ पे अगली बार तीन फंदे बनाए हैं। तो डिज़ाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।